आप देख रहे हैं जमताल का, इस समय हम भादसों शुगर मिल में हैं और भादसों शुगर मिल का जो क्रशिंग सत्र है वो आज अंतिम दिन उसका है। किसान इस समय अपनी गन्ने की जो ट्रैक्टर ट्रालियां वो मिल में लेकर के पहुंचे हुए हैं और मिल के अधिकारी भी इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन ये जो लंबी लाइनें आप देख रहे हैं ये अंतिम दिन है और किसान अपना गन्ना जो खेतों में खड़ा हुआ था उसको सारे को छील करके ले आए हैं। और क्या मिल की आज की व्यवस्थाएं हैं, मिल कब तक चला था और कितने दिन चला है मिल, इन सब बातों को लेकर के हम बात करेंगे। इस समय जो करम सिंह जी हैं वो मिल के अधिकारी वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। करम सिंह जी, जनतालिका पर स्वागत है। क्या मिल का आज अंतिम दिन है, कब मिल चला था, जरा हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने कवर किया आज हमें। ये आज शुगर मिल का लास्ट डे है और फार्मर्स ने पूरे सीजन काफ़ी हमारे साथ सहयोग किया, इसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। और आज 6 बजे लास्ट टाइम है ट्रॉली आने का, और उसके बाद भी अगर कोई फार्मर लेट आता है तो उसके लिए भी हमने अरेंजमेंट किए हैं कि रात में भी अगर लेट तक आएगा तो उसको हम जब तक मिल चलता रहेगा उसको हम लेते रहेंगे। यानी आज अंतिम दिन मिल का है, मिल चलने का आज अंतिम दिन है और आज मिल बंद हो जाएगा। कब मिल चला था और इस दौरान किसानों की और आपके बीच में किस तरह का समन्वय रहा, क्या कहना चाहेंगे? हमारा शुगर मिल नवंबर मिड में चला था और अभी 21 अप्रैल आज आ गया है, तो ये बड़ा काफ़ी लंबा समय है। उसमें हमारे किसान भाइयों ने अपने मिल को काफ़ी सहयोग दिया है, अच्छा साफ़ सुथरा वो गन्ना लेकर आए हैं और बहुत अच्छे से सीजन का समापन हो रहा है। इसके लिए हम सभी किसान भाई और आप लोग सब इसमें धन्यवाद के पात्र, धन्यवाद करना चाहते। करम सिंह जी, ये मिल तो आज आपका जो क्रशिंग सत्र है वो तो आज बंद हो जाएगा, लेकिन जो नया सत्र शुरू होगा उसकी तैयारी तो अभी से शुरू हो गई हो। किसानों ने अपने खेतों में गन्ना लगा रहे हैं, गन्ने का किस तरह से वो उस अपनी फसल का रख रखाव बढ़िया करें, बढ़िया उत्पादन हो और किस तरह से वो किसान गन्ने की जो खेती है उससे ज़्यादा लाभ ले सकता है, इस बारे में भी हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। क्या आप कहना चाहेंगे किसानों को, क्या समझाना चाहेंगे ज़रा? हाँ, आज की डेट में जैसे अभी अप्रैल महीने में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे फार्मर्स के खेतों में हम विजिट कर रहे हैं तो वहाँ दो चीज़ें मिल रही हैं। एक तो हमारे यहाँ टॉप बोरर का अटैक है, सेकंड अवस्था है उसकी, सेकंड ब्रूड। इसको अगर हम मैकेनिकली निकाल लेते हैं तो एक तो हमारे पैसे बचते हैं, दूसरा इको फ्रेंडली है वो सब, तो उसमें हम डेली अपने स्टाफ को भेज रहे हैं। हम विद इन 10 डेज पूरे एरिया को कवर कर रहे हैं कि एक एक खेत में जाके उनको मैकेनिकली उसको दाती से या चक्कू से निकाला जाए, और अगर वो मैकेनिकल बोरर का कंट्रोल हो गया तो फिर आपको आगे केमिकल की रिक्वायरमेंट कम रहती है, तो इसलिए हम लोग उसमें लगे हुए हैं डेवलपमेंट में। और साथ में जो हमारे किसान गन्ना बीज रहे हैं उनके लिए कौन कौन सी वैरायटी लगानी है, बीज अरेंजमेंट है, पेस्टिसाइड है 10% सब्सिडी पे, वो सब हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। ये हमारा अप्रैल का प्रोग्राम है, जैसे मई आएगा तो मई में प्रोग्राम डिफरेंट होता है, जून में डिफरेंट होता है, तो ये प्लांट प्रोटेक्शन का प्रोग्राम जब तक मिल नहीं चलेगा तब तक हम इसकी देखरेख मिल की तरफ से और फार्मर भाइयों के साथ मिल के इसका हम पूरा ध्यान रखते हैं। पूरा ध्यान रखेंगे, लेकिन किसानों में कई तरह की जो समस्याएं हैं वो आती हैं गन्ना उत्पादक किसानों को मिल से संबंधित, उन समस्याओं को आगे ना आने देने के लिए कुछ इस तरह की इंतजाम किए हैं, कुछ इस तरह का लक्ष्य निर्धारित करके चल रहे हैं क्या? हाँ बिल्कुल, जो भी फार्मर्स भाइयों की तरफ से कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो उसको हम नोट करते हैं और उसकी समस्या ना आए उसको तभी उसका कंट्रोल करते हैं। अच्छा, एक वो जो मिल में किसान गन्ना लेकर के आते हैं उनके लिए क्या क्या आप लोगों ने असुविधाएं शुरू की हैं, ताकि जैसे किसान आता है घर से उनके लिए खाने के इंतजाम है, पीने का इंतजाम है, पानी पीने का या चाय वगैरह का भी कुछ इंतजाम मिल की तरफ से कुछ इस तरह के इंतजाम हैं क्या? हाँ बिल्कुल, फार्मर्स के लिए हमारे यहाँ जैसे पानी का और उसके टॉयलेट्स के लिए और खाने के लिए मिल की तरफ से हर फार्मर जो गन्ना लेके आता है उसको हम मतलब मिनिमम मतलब 15 रुपये में उनको लंच डिनर बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोवाइड कराते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, देखिए ये खाने के लिए जब किसान आएगा घर से, कई बार क्या यहाँ लेट हो जाता है किसान, और जब देरी से जाता है तो उसको घर जाने की ज़रूरत नहीं है, कम पैसे में उसको अच्छा खाना मिलता है, क्योंकि जो बाकी खर्चा है वो वाहन कर रहा है शुगर मिल भादसों, यानी किसान की भलाई के लिए, किसानों के हितों के लिए
और किसानों के फायदे के लिए, किसानों के फायदे के लिए और बहुत सारी योजनाएं शायद मिल चला रहा है, जैसे कि किसान बोता दवाई का इंतजाम है, सस्ते में कोई दवाई दी जाती है, कोई सलाह दी जा रही है किसानों को ताकि उनको उत्पादन करने का अच्छा हो, कोई इस तरह के इंतजाम है क्या? हाँ बिल्कुल, हम टाइम पे जाके फार्मर्स को बताते हैं कि आपके खेत में इस तरह का ये कोई इंसेक्ट पेस्ट आया है या कोई बीमारी है, उसका ये अरेंजमेंट है, इसकी दवाई जो है मिल से आप लीजिए, उसमें 10% हम सब्सिडी देते हैं हर दवाई पे। अभी हमने पीछे उनको ट्रैप दिए हैं ताकि खेत में अगर कोई भी कीड़ा आता है तो उसको वो ट्रैप कर सके, तो वो फार्मर्स उसमें काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं। नया सिस्टम है वो कोई सब्सिडी पे है, रियायत दरों पे है, कैसे? हाँ, उसमें 10% सब्सिडी है हमारे पास, 10%। हाँ, दवाइयों पर भी 10%, दवाइयों पर भी। और बीज की कोई व्यवस्था? बीज में ऐसा है, बीज बहुत क्वांटिटी लगती है, तो वो अगर फार्मर के पास बीज का अरेंजमेंट नहीं है तो उसके लिए हम बाहर से अगर कोई बीज लेके आना पड़ेगा तो उसका जो खर्चा आएगा वो हम बियर करेंगे, वो खर्चा बियर करेंगे। लेकिन किसान बहुत सारे यहाँ पहुँचे हुए हैं, हम किसानों से भी आपके बात कराएंगे। कुछ किसान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गन्ना उत्पादक किसानों के लिए बहुत खुशखबरी की बात है। और ये खुशखबरी क्या है ये हम एक किसान से जानना चाहेंगे। किसान हमारे साथ मंजीत जी जुड़ चुके हैं। मंजीत जी क्या कहना चाहेंगे, आप गन्ना लेकर के आए हैं मिल में? देख बहुत बहुत धन्यवाद जी। देखिए पूरा सीजन चलिया और आज लास्ट दिन बता रहे शायद इसका, हम तो कहेंगे और चल जाए दो चार दिन और जितने अपने किसान साथी रह रहे भाई भी अपना गन्ना लिया हुआ, बड़ा बढ़िया सीजन गया तो आराम से। और बिल वालों को भी बधाई, जितना प्रशासन था यहाँ सबको बधाई। अच्छा भुगतान को लेकर के कई बार पर्ची को लेकर के बड़ी समस्या इस मेले में आती रहती है, कुछ कहना चाहेंगे आप? चलती रहा जी, तो समस्या तो जब तक किसान पैदा हुआ रहे जब तक मर रहे तो समस्या चलती रहा। बढ़िया सीजन चलेगा गया, कामना करेंगे प्रशासन से भी कहेंगे मेरे प्रशासन से जो समस्या अब की बार आई वे अगले साल ना हो, अपने में सुधार किया जाए। जो समस्या पहले आई थी वो आगे ना आए, क्योंकि किसान का और गन्ना मिल का संबंध बहुत प्रगाढ़ है और ये जो संबंध है ये प्रगाढ़ तभी होगा जब ये गन्ने की मिठास किसान को वाकई में मिठास नजर आएगी। आप देखते रहिए जनताल का, मैं हूँ MS निर्मल।